सो हे गाइस, दिस इज आशीष एंड दिस इज 9th of June, थर्ड शिफ्ट ऑफ CHSL एग्जाम. सो टुडे वी विल रिव्यू सम कैंडिडेट. तो पूरा वीडियो देखना लास्ट तक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो. मिलते हैं वीडियो के एंड में. हमारे दो मित्र मिल गए हैं, इनसे पूछते हैं कितने अटेम्प्ट करके आए, कैसा लेवल लगा इस शिफ्ट का पर्टिकुलर. तो भाई कैसा लेवल रहा एग्जाम का, इजी टू मॉडरेट है या फिर टफ लगा आप? भाई एग्जाम लेवल तो क्या कहते हैं, ना टफ था ना क्या कहते हैं ईजी था, लेकिन क्या कहते हैं अगर कह देगा जाए तो GS का जो पोर्शन है वो क्या कहते हैं, GS के पोर्शन में से क्या कहते हैं तुम्हारी हिस्ट्री और वो उसमें से कुछ नहीं पूछा है, लगभग सारे करंट से ही. आपने एनालिसिस देखा था इससे पहले? हाँ बिल्कुल, इससे पहले मैंने क्या कहते हैं एग्जाम जो वैसे ही आ रहे हैं या फिर अलग आ रहा है? कुछ क्वेश्चन अलग आ रहे हैं, मतलब कि एग्जाम लेवल हर बार क्या कहते हैं कभी मीडियम कभी टफ ऐसा होता जा रहा है, जे नहीं है सेम लेवल नहीं है. आज का कैसा एग्जाम लेवल? सही था मतलब कि उस हिसाब से, लेकिन देखा जाए तो बस GS पोर्शन को लेके बस ज़्यादा वही दिक्कत आती है वहाँ से ही. और आप का पोर्शन ज़्यादा आ रहा है और का पोर्शन ज़्यादा? हाँ, हिस्ट्री से और तुम्हारे उससे 2021 का करंट ज़्यादा है, जिसमें नृत्य पूछे जा रहे हैं ऐसे ही और ओलंपिक के बारे में पूछा जा रहा है. अटेम्प्ट कितने रहे आप लोगों के? 74 किए थे. 74 जी. मैंने 81 किए थे. 81 किए. कैटेगरी कौन सी है? ओबीसी. मैथ की बात की, ओबीसी. मैथ की बात, मैथ की बात की है तो लेंथी क्वेश्चन थे कुछ, और कुछ नॉर्मल भी थे क्वेश्चन थे, जैसे इजी क्वेश्चन थे. जो परेशान करने वाले कितने क्वेश्चन थे? लगभग 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जो लेंथी थे मतलब क्वेश्चन. और कुछ GS तो एज नॉर्मल सभी में ऐसे ही आते हैं, जैसे GS का कोई वो नहीं है. तो मतलब मैथ में ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहा है मैथ भी? कुछ क्वेश्चन थे लेंथी और कोई ज़्यादा नहीं थे. कहते हैं बस पॉलिटी से, तो जैसे पॉलिटी पढ़ाई जाती है पॉलिटी से कुछ नहीं आया. इसका करंट का कोई क्वेश्चन याद है? स्पोर्ट्स से याद है? हाँ, जैसे कि 2021 में क्या कहते हैं वो कौन से देश ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी. अच्छा अच्छा ये आ गया. और कोई क्रिकेट और शीतकालीन खेल था जो शीतकालीन खेल विंटर ओलंपिक. जी जी जी. एक नृत्य आया था उससे कुछ चटर्जी नाम से कुछ क्वेश्चन. अच्छा अच्छा. स्टैटिक जीके का हो गया वो. हाँ कुछ नहीं. ग्रैमी अवार्ड किसने जीता क्या कहते हैं वो? 2019 या 20 कौन सा ईयर था? 1994 का ग्रैमी अवार्ड. वाह. तो ये तो क्वेश्चन यार बहुत टेढ़े हैं. साइंस से कोई क्वेश्चन था? साइंस से क्वेश्चन क्या कहते हैं बायो से था एक. रीजनिंग अटेम्प्ट की थी जिसमें से सीरीज के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा थे. हाँ, 7-8 क्वेश्चन. रीजनिंग कैसी आ रही है? कैलकुलेटिव टाइम ले रही है या फिर नॉर्मल? कैलकुलेटिंग है कुछ, और बच्चा जो एक्सपीरियंस है बच्चे को वो तो अच्छा कर सकता है. अच्छा. और ज़्यादा भी सीरीज ज़्यादा ज़्यादा आई थी. ओवरऑल इंग्लिश का लेवल कैसा रहा? इंग्लिश का लेवल सही था, मीडियम था. आपके अकॉर्डिंग कैसा रहा? नॉर्मल थी. नॉर्मल आ रही है इंग्लिश तो. और ओवरऑल करंट अटेम्प्ट कितना माना जाएगा शिफ्ट में है? आपको क्या लगता है 81 इनफ है? हाँ तो वैसे सही है मेरे हिसाब. एक्यूरेसी कितनी रहेगी आपकी लगभग? लगभग मान लो कि 60+ तो रही रहेगी. गलत हो गया था GS पोर्शन. GS में डाउट वाले क्वेश्चन हो? डाउट वाले क्वेश्चन थे इसलिए पोर्शन कुछ गलत हो गया. उसी के चलते कि क्या कहते हैं वो करंट से ज़्यादा पूछा जा रहा है. और करंट भी जो है वो भी 2021 की आ रही है, 2022 को जाएगा. अच्छा, बच्चे कितने थे हॉल में? एबसेंट थे कुछ बच्चे? हॉल में कुछ बच्चे एबसेंट थे, लगभग 8-10 बच्चे एबसेंट थे. 8-10 ही थे मतलब कल वाली शिफ्ट में, शुरू वाली में तो बहुत बच्चे एबसेंट थे. ठीक है भाई, थैंक यू. कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा हुआ. कितने अटेम्प्ट करके आए हो आप? हम अभी 70 नंबर करके आए हैं. 70 क्वेश्चन कर दिए. हाँ। सही 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 सही. कोई डाउट तो होगा GS में? GS में कितने करे? GS में कम हुए हैं वैसे. GS में ज़्यादा हार्ड आई थी और करने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे आ रहे हैं. रीजनिंग तो सर आई थी उसको तो मैंने अच्छी तरीके से हो गया. मैथ भी हो गया बस उसमें ही. GK में मुझे थोड़ा हार्ड लगा. कौन सा बार है भाई आपका? पहली बार दे रहे हो? पहली बार. अच्छा, कितने अटेम्प्ट बता रहे थे? हमने दिए 70 नंबर. 70 नंबर क्वेश्चन. तो एक्यूरेसी आपकी क्या रहेगी इसमें? वैसे तो मेरा मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ, रीजनिंग में गलत होने के कितने चांस हैं आपके? मुश्किल 10 नंबर के चांस है. 10 नंबर गलत हो सकता है ओवरऑल, मतलब 70 में से. और ऊपर नीचे हो सकते हैं या कम? 60 क्वेश्चन पे कम चांसेस है ना बहुत. अच्छा, 60 तक. हाँ हो सकता है. अभी मतलब मेरा पूरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि मतलब मैं 70 नंबर से टोटल मतलब 5 नंबर या कम हो सकते हैं. 70 में 10 या 5 ऐसे, इससे कम नहीं होगा. तो लेवल कैसा लगा आपको? टफ लगा लेवल या इजी लगा मैथ का? मतलब मैथ तो और रीजनिंग तो इजी था. जीके मुझे ज़्यादा थोड़ा हार्ड लगी. ज़्यादा जीके ज़्यादा हार्ड लगी है तो सब बच्चों को हार्ड लगी. GS फिर भी GS में कितने कर दिए? बता तो रहा हूँ, 5 क्वेश्चन किए बस. 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट ही 5 करे हैं. सही सही. तो मतलब सही सही भाई ने 5 अटैम्प्ट करे हैं, 5ों के 5ों सही हैं. ये भी बुरा नहीं है, अगर नहीं आ रहे क्वेश्चन तो मत करो अटैम्प्ट. इसलिए ही तो मैंने नहीं आ रहे तो वो छोड़ दिए हैं. 69 पहली बार दिया है?
ना तीसरी बार दिया है। तीसरी बार दिया है तो अटेम्प्ट कम कैसे रह गए? कम ये है कि रह गए मतलब बाद में करने के लिए, लेकिन टाइमिंग ही मतलब कम। अटेम्प्ट कम नहीं है अगर एक्यूरेसी आपकी अच्छी है तो, क्योंकि जीएस बहुत टफ डाल रहे हैं। मैं कितने अटेम्प्ट कर दी जीएस में? जीएस में तो मुश्किल से वही 6-7 हुए होंगे। मतलब करेक्ट है आपके 6-7? हाँ वही, मतलब जो करेक्ट है वही करें। बाकी आपने डाउट वाले तो के नहीं? ना वो नहीं मारे। कुछ दी कौन से को मतलब वो अवार्ड मिला था? अच्छा नृत्य में कौन किसको अवार्ड मिला था? चलो बुक्स आई थी बुक्स कोई? ना पद्मश्री पद्म भूषण अवार्ड से था कोई? ना पद्मश्री ये कोई नहीं मतलब अवार्ड नहीं था। शिफ्ट में कोई क्वेश्चन? हाँ मैथ का तो ये था सही था, मैं लास्ट में ही देखा था वो कर लिया था। ठीक है लास्ट में कितने क्वेश्चन कर दिए मैथ के अटेम्प्ट? मैथ के तो कर दिए थे वो 17-18 क्वेश्चन। तो अपने अटेम्प्ट से आप सेटिस्फाइड हो? सेटिस्फाइड तो हूँ अटेम्प्ट से। 70 करें आपने लगभग, एक्यूरेसी कितनी 90 या 95? 90 प्लस ही होगी ना आपकी, क्योंकि जीएस में आपने तुक्के मारे नहीं है। समथिंग 60 के अबव हुए। अच्छा इंग्लिश का लेवल कैसा लगा भाई? इंग्लिश का लेवल कैसा था? इंग्लिश का सही था लेवल अपना, नॉर्मल था। नॉर्मल इंग्लिश का लेवल नॉर्मल था। जीएस को ही ज़्यादा दिक्कत बता रहे हैं बच्चे? जीएस में ज़्यादातर नृत्य पूछते हैं। नृत्य पूछते हैं? हाँ वो भी, और उसमें पुरस्कार भी पूछ लिए थे, और नोबेल पुरस्कार और तुम्हारा पद्मश्री पुरस्कार पूछ लिया था। एक मैरी कॉम का क्वेश्चन आया था। अच्छा मैरी कॉम से आया था? मैरी कॉम की किताब पूछी थी। हाँ बुक्स पूछी, मैरी कॉम की बुक्स पूछी थी। अच्छा रीजनिंग का लेवल कैसा लगा? रीजनिंग के लेवल की हम बात करें, रीजनिंग का लेवल एकदम मतलब इजी बोल सकते हैं। इजी कोडिंग से सारे क्वेश्चन आए थे, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज की। और आपके मिरर इमेज थी? नहीं वो फिगर्स से थे, फिगर्स की काउंटिंग पूछ रहा था। अच्छा फिगर काउंटिंग पूछा था। ट्रायंगल था क्या? सर ट्रायंगल था, ट्रायंगल।